back. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा में फायरिंग से एक ही खानदान के 6 अफराद कत्ल, हलाक अफराद का ताल्लुक श्रीलंका से है। पुलिस ने 19 साल मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। कनाडा में यहूदी इबादतगाह के बाहर मुजाहरा करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन मकबूजा मगरबी किनारे में जायदाद की मार्केटिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार अफराद की मालूमात फराहम नहीं की गई। टोरंटो में शदीद बारिशों का इम्कान, एनवायरमेंट कनाडा ने टोरंटो के लिए मौसम का खसूसी बयान जारी कर दिया। हफ्ते को शहर में शदीद बारिशों की तवक्को। रूसी हमले में यूक्रेनी सदर और यूनानी वजीर आजम बाल बाल बच गए, 5 अफराद हलाक। हमले के वक्त यूक्रेनी सदर यूनान के वजीर आजम को जंग जदा इलाकों का दौरा करा रहे थे। हमले के बाद भी यूक्रेनी सदर और यूनानी वजीर आजम ने जंग जदा इलाकों का दौरा जारी रखा। जमहूरियत को अमरीका समेत बैरूनी मुल्क खतरात हैं। सदर बाइडन का कहना है कि अमरीका में किसी को जमहूरियत के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं। ट्रंप के हामियों ने जमहूरियत पर हमले किए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में श्रीलंकन फैमिली के 4 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में श्रीलंकन फैमिली के 4 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुतासरीन में से 5 की शनाख्त श्रीलंका से कनाडा में नए आने वालों के खानदान के तौर पर की है। वाकये पर वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि हमारा पहला रद्द अमल इस खौफनाक तशद्दुद पर सदमे और हवलनाकी का है। हम तवक्को कर रहे हैं कि कम्युनिटी खानदान और दोस्तों की मदद के लिए पहुंच जाएगी, जैसा कि कैनेडियन हमेशा करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओटावा में कत्ल होने वाले तमाम अफराद कुछ ही अरसा पहले कनाडा मुंतकिल हुए थे। उन्हें फायरिंग करके कत्ल किया गया। मारे गए अफराद में 35 बरस की माँ और 4 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने फैमिली के साथ रहने वाले 19 बरस के श्रीलंकन तालिबे इल्म को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मक्तूनीन की शनाख्त ना हो सकी। गिरफ्तार शख्स पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद करके तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी जानिब श्रीलंकन हाई कमीशन ने तस्दीक की है कि मरने वाले श्रीलंकन थे और मक्तूलीन में 4 बच्चे और उनके वालदैन शामिल हैं। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब श्रीलंकन फैमिली के 4 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त ना हो सकी। हिरासत में लिए गए शख्स पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद करके तहकीकात शुरू कर दी है। कनाडा में यहूदी इबादतगाह के बाहर मुजाहरा करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
कनाडा में यहूदी इबादत गाह के बाहर मुजाहरा करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सैकड़ों फलस्तीनियों के हामी मुजाहरीन ने मकबूजा मगरबी किनारे में जायदाद की मार्केटिंग करने वाले एक रियल इस्टेट इवेंट की मेजबानी के दौरान घंटों मुजाहरा किया। तकरीब जिसे अजीम इजरायली रियल इस्टेट इवेंट कहा जाता है में रियलिटर्स और कंपनियां शरीक थीं। ये तकरीब शुमाली अमेरिका के 5 शहरों में होने वाले ग्रुप के वसीतर दौरे का हिस्सा थी। यॉर्क रीजनल पुलिस ने क्लार्क एवेन्यू डब्ल्यू और यॉर्क हिल बुलेवार्ड के करीब मुजाहरे में गिरफ्तारियों की तस्दीक की, लेकिन जुमेरात की रात तक इस बारे में तफसीलात फराहम नहीं की गई कि किसको गिरफ्तार किया गया है या कोई इल्जामात आयद किए गए हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि कनाडा को मगरबी किनारे में फलस्तीनी कम्युनिटीज को उनकी जमीनों से जबरदस्ती हटाए जाने की इत्तलात पर भी शदीद तशवीश है। एनवायरनमेंट कनाडा ने जुमेरात की सह पहर टोरंटो के लिए मौसम का एक खसूसी बयान जारी किया है जिसमें 20 से 40 मिलीमीटर बारिश की वार्निंग दी गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा ने जुमेरात की सपहर टोरंटो के लिए मौसम का एक खसूसी बयान जारी किया है जिसमें 20 से 40 मिलीमीटर बारिश की वार्निंग दी गई। बाज़ इलाकों में ज़्यादा मकदार के साथ बारिश का इम्कान है। ये अलर्ट हॉल्टन, पीट, यॉर्क, डरहम, हैमिल्टन और वाटरलो, वेलिंगटन समेत दीगर इलाकों के लिए जारी किया गया है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक कम दबाव का निज़ाम इस हफ्ते के आखिर में जनूबी ऑन्टेरियो में वसी पैमाने पर बारिश लाएगा। बारिश का दौरान या जुमे के आखिर में जुनूब मगरबी ऑन्टेरियो में शुरू होगा और रातों रात मशरक की तरफ बढ़ेगा। बारिश की मकदार के बारे में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। इवेंट के करीब आते ही कुछ इलाकों में बारिश की वार्निंग जारी की जा सकती है। बारिश हफ्ते की रात को हलचल से कम होने की तवक्को है क्योंकि ठंडी हवा खत्ते में मुंतकिल होने वाली है। बारिश हफ्ते को बहुत ज्यादा होने की तवक्को है और दिन के बेशतर हिस्से तक जारी रहेगी। इसके बाद इतवार को दर्जा हरारत में अचानक कमी आएगी जिसमें दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीग्रेड की पेशगोई की गई है और टोरंटो में हवा की सर्दी के साथ -5 सेंटीग्रेड की तरह महसूस होगा। ये फरवरी के अख्तितम तक और मार्च में शुरू होने के लिए गैर मामूली तौर पर गर्म लहर के बाद है क्योंकि दोहरा हिंसे का दर्जा हरारत जनूबी ऑन्टेरियो के बेशतर हिस्सों में रहने का इम्कान है। रूस ने एक मिसाइल हमले में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के काफिले को निशाना बनाया, लेकिन खुशकिस्मती से वो महफूज रहे। ताहम 5 राहगीर हलाक हो गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रूस ने एक मिसाइल हमले में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के काफिले को निशाना बनाया, लेकिन खुशकिस्मती से वो महफूज रहे। ताहम 5 राहगीर हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी मिसाइल यूक्रेनी सदर के काफिले से महज 500 मीटर की दूरी पर गिरकर फट गया, जबकि कुछ का दावा है कि मिसाइल और सदर के काफिले के दरमियान महज 150 मीटर की दूरी थी। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूनान के वजीर आजम कैरियाकोस मित्सोताकिसन का इस्तकबाल करने जा रहे थे कि उनके काफिले के नहायत करीब रूसी मिसाइल गिरा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि यूक्रेनी सदर और यूनान के वजीर आजम ने न सिर्फ मिसाइल के गिरने की आवाज़ सुनी बल्कि धमाके की जगह से धुआं उठता भी देखा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों रहनुमा हमले की जगह से कितने करीब थे। यूक्रेन की हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मिसाइल हमले में यूक्रेनी सदर और यूनान के वजीर आजम महफूज रहे, लेकिन 5 अफराद हलाक हो गए जिनमें राहगीर और प्रोटोकॉल स्टाफ शामिल है। इस हमले के बाद भी यूक्रेनी सदर और यूनानी वजीर आजम ने जंगजदा इलाकों का दौरा जारी रखा और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलमी बिरादरी से रूस को जहरियत से बाज रखने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाशिंगटन में स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब करते हुए कहा है कि जमहूरियत को अमरीका समेत बैरून मुल्क खतरात का सामना है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाशिंगटन में स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत को अमरीका समेत बैरून मुल्क खतरात का सामना है और अमरीका और दुनिया भर में जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अमरीका में किसी को जमहूरियत के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं। तारीख हमें देख रही है और हम जमहूरियत का तहफ्फुज़ करेंगे। उनका कहना था कि अमरीका को वॉल स्ट्रीट ने नहीं बल्कि मिडिल क्लास ने तामीर किया। जब हमें इक्तदार मिला तो मईशत तबाही के दहाने पर थी, कोरोना वबा का सामना था, इसके बावजूद तमाम चैलेंजेस का बहादुरी से मुकाबला किया, मईशत को मुस्तहकम किया और गुज़िश्ता 3 साल में 5 करोड़ नई मुलाजमतें फराहम की। हम गुज़िश्ता सदारती इलेक्शन की तरह इस बार भी जीतेंगे। बाइडन ने कहा कि 6 जनवरी को अमरीका में जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। साबिक सदर ट्रंप के हामियों ने जमहूरियत पर हमले किए और इस हमले के हकायक कुछ लोगों ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन मैं वाज़े करता हूं कि अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं और ना ही सियासी अफरा तफरी के लिए मुल्क में किसी के लिए कोई जगह है। वाज़े रहे कि अमेरिकी सदर बाइडन के स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब में अरकान कांग्रेस, सेनेटर्स और चीफ जस्टिस समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। फिलहाल इतना ही।
अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।